लंबे तनाव के बाद व्लादिमीर पुतिन के धैर्य ने जवाब दे दिया और सुबह 5 बजे यूक्रेन में धमाके शुरू हो गए। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस की सेना यूक्रेन के अंदर घुसकर हमले कर रही है। पुतिन ने जैसे ही युद्ध का ऐलान किया, महज 5 मिनट के अंदर यूक्रेन में 12 धमाके हुए। राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक हुए, वहां एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इस कदम के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू मिशन को भी रोकना पड़ा। यूक्रेन गई एयर इंडिया की फ्लाइट खतरे के अलर्ट के चलते वापस लौट आई। यूक्रेन ने भी जवाबी हमले का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक उसने रूस के 5 फाइटर जेट और 1 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यूक्रेन ने यह भी कहा कि उस पर 3 तरफ से हमला किया गया है, रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की तरफ से, और लुहांस, खार्किव, चेरनिव, सुमी और जेटोमिर प्रांत में रूसी सेना के हमले जारी हैं। वहीं रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के एयर डिफेंस और एयरबेस को तबाह कर दिया है। हालांकि रूस ने यह भी कहा कि उनके निशाने पर यूक्रेन के शहर नहीं है। हमारे हथियार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, एयरफील्ड, एयर डिफेंस फैसिलिटीज और एविएशन को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन की जनता पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन कई रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि अब तक यूक्रेन में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका और रूस अब आमने सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। व्लादिमीर पुतिन के एक इशारे पर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। यूक्रेन के खार्किव और ओडेसा शहर में रूसी सेना कहर बरपा रही है। रूसी सेना यूक्रेन के कई शहरों पर एक के बाद एक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दाग रही है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त अमेरिका और नाटो का क्या रुख है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 टूक कहा है कि इस हमले से होने वाली हर मौत के लिए रूस जिम्मेदार होगा। अमेरिका और उसके सहयोगी देश जल्द मिलकर प्लान बनाएंगे और रूस को जवाब दिया जाएगा। मैं व्हाइट हाउस से स्थिति की निगरानी कर रहा हूं और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से नियमित अपडेट ले रहा हूं। वहीं पुतिन ने नाटो और अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कह दिया है कि इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। अगर किसी ने बीच में दखल दिया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।